बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की बेटी है। सोनाक्षी का जन्म 2 जून 1987 को हुआ था, तो वहीं जहीर इकबाल का जन्म 10 दिसंबर 1988 को हुआ था। ऐसे में सोनाक्षी और जहीर के बीच लगभग 2 साल उम्र का फासला है। सोनाक्षी सिन्हा से उम्र में लगभग 2 साल छोटे जहीर इकबाल एक साथ फिल्म डबल एक्सल में नजर आ चुके हैं। डबल एक्सल में सोनाक्षी सिन्हा के साथ जहीर इकबाल और एक्ट्रेस की बेस्ट फ्रेंड हुमा कुरैशी नजर आई थी। डबल एक्सल के अलावा जहीर इकबाल ने नोटबुक फिल्म में भी काम किया है। मालूम होता है कि सोनाक्षी सिन्हा एक फिल्मी फैमिली से आती थी, वही जहीर इकबाल एक ज्वेलर फैमिली से। जहीर इकबाल का पूरा नाम है जहीर इकबाल रतानसी और उन्होंने मुंबई के स्कॉटिश स्कूल से पढ़ाई की है। जहीर के पिता का नाम है इकबाल रतानसी जो कि एक ज्वेलर था और बिजनेसमैन, और जहीर की माँ हाउसवाइफ है। जहीर इकबाल की बहन है जो कि सेलिब्रिटी स्टाइलिश है, और एक छोटे भाई भी है जो कि कंप्यूटर इंजीनियर है। बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल ने कभी भी पब्लिकली अपना रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया, लेकिन सोनाक्षी और जहीर दोनों ही एक दूसरे के बर्थडे पर क्यूट विश पोस्ट करते नजर आते हैं। दोनों को एक साथ कई बार स्पॉट भी किया जा चुका है, वेकेशन मनाते भी दोनों को साथ में देखा गया है। बताते चले कि सोनाक्षी सिन्हा को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो 23 जून को अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी करने जा रही है। बीते दिनों से लगातार सोनाक्षी और जहीर को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। जहीर की शादी को लेकर नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। कभी कोई कह रहा है कि वो निकाह करेंगे, तो कभी कोई बोल रहा है कि वो हिंदू धर्म से शादी करेंगे। इतना ही नहीं, शादी की गेस्ट लिस्ट तक सामने आ चुकी है, मगर इस बीच अब एक चौंकाने वाली खबरें सामने आई। जी हाँ, ये कहा जा रहा है कि दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा फासला है। कहा ये जा रहा है कि 23 जून को इन दोनों का वेडिंग रिसेप्शन होगा, तो वही ये भी हो रहा है कि इस बीच ये खबरें आ गई हैं कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल पहले से ही शादी कर चुके हैं और उस दिन कपल सिर्फ रिसेप्शन वेडिंग देंगे, यानी कि रिसेप्शन पार्टी बस होगी। हालांकि ऐसा हमारा कहना नहीं, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबरें आई हैं। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइएगा। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ और नेक्स्ट लाइव।